जरा हट के देखा है और तो वो दिख रहा है सब जगह पे। थैंक यू टू विकी एंड सारा फॉर एक्चुअली पुटिंग सोल इन सोमैन कपिल। मतलब उनको जिंदा किया आपने स्क्रीन पे और वो दिख रहा है। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो स्माइल है एक दूसरे के लिए या गुस्सा एक दूसरे के लिए, वैसे लगता है कि मिडिल क्लास के हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं या प्यार कर रहे हैं। और वही वजह है कि इस फिल्म में सब लोग बिलीव कर रहे हैं। बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा दिनू सर को एक्चुअली, क्योंकि 15 दिन पहले मुझे फोन आया था कि सर कॉपी रेडी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी। कितने दिन में? मैंने कहा 10 दिन में। 8 दिन में हो जाएगी? वो भी हो जाएगा। एंड 15 दिन में फिल्म को रिलीज करना, मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया। फिल्म अच्छी बना सकते हैं, मैं बना लेता हूँ वैसे, बट उस अच्छी फिल्म को उसका जो ऑडियंस है उन तक अच्छे से पहुंचाना एक टास्क है, जहां पे एंटायर इंडस्ट्री सोच रही थी अरे कौन सा 15 दिन में क्या होगा, अरे वो तो डेट मिल गए इस देखा, अरे ऐसा कौन सा होता है, ऐसा कौन सा, सबके मुंह चुप हो गए। एंड सीरियसली थैंक यू सर फॉर दिस, बिकॉज आपने थिएटर्स के दरवाजे खुले कर दिए ऑडियंस के लिए। जहां पर लोग समझते थे कि सिर्फ बड़ा कैनवास चलेगा, ग्रैंड फिल्म चलेगी, वहां पे अच्छा कंटेंट भी थिएटर में चल सकता है, ये आपने प्रूव कर दिया। एंड सीरियसली इट्स अ बिग चेंज इन द इंडस्ट्री। मतलब आज भी सारे चुप है क्योंकि किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। बोल रहे हैं 1 पे 1 फ्री दिया इसलिए चल रहे। अरे भाई अगर सड़े हुए टमाटे आप बेचो और बोलो 1 किलो पे आधा किलो फ्री है, कुत्ता लेगा क्या? सीरियसली नहीं लेगा। जब माल अच्छा हो तो फ्री नहीं भी दोगे तो भी लोग लेंगे, है ना। अच्छा पानी पीने के लिए लोग कुएं के पास आते हैं, लेकिन पानी में गंध हो तो कौन पिएगा। तो हमने फिल्म अच्छी बनाई और जिस तरह से दिनू सर ने इस फिल्म के लिए दरवाजे ओपन किए, जिस जिस दौर में हम लोग चल रहे थे, जो थिएटर्स की हालत थी, उस हालत को उन्होंने चेंज कर दिया। एंड सीरियसली सर, एक अच्छी फिल्म बनाना अलग बात है, बट एज अ प्रोड्यूसर उस अच्छी फिल्म को उसका जो हकदार ऑडियंस है उनके तक पहुंचाना अलग बात है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, नोबडी एल्स कैन डू इट इन द इंडस्ट्री, सीरियसली। एंड एंटायर मार्केटिंग टीम शारदा, एवरीवन, मतलब 15 दिन डे नाइट आप लोगों ने जो काम किया है। मुझे तो कोई पोस्ट भेजता था तो मैं इंस्टा पे डालता नहीं था, इतना लेजी हूँ। वो सोनाली पीछे पड़ती थी, पोस्ट नहीं डाला, मैं डाल दूंगा। लेकिन आप लोग का डे नाइट के जो एफर्ट्स है, और सौम्या कपिल आप लोग जहाँ जहाँ जाके पानी पूरी क्या 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 खा रहे थे भाई साहब, कमाल, मतलब सीरियसली सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। दीनू सर का फोन जब मुझे आया था तो मैं केदारनाथ में थी अपने दोस्तों के साथ और छुट्टी मना रही थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी पिक्चर में बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। और मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरी डेब्यू फिर से होने वाली है, क्योंकि इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना ऐसा लगा कि जेन्युइनली एक सपना जैसा हो गया था। मैं बहुत बार पैंडेमिक के दौरान, पैंडेमिक के बाद सोचती भी थी क्या वो दिन वापस आएगा जब मैं बड़े पर्दे पर अपने आप को देखूंगी। इंट्रोड्यूसिंग सारा अली खान तो याद है, लेकिन स्टारिंग सारा अली खान, फीचरिंग सारा, ये क्या मतलब, वाज आई इमेजिनिंग इट और विल इट एवर रियली हैपन अगेन। और आई रियली बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। और इतनी अजीब बात है, मेरी पहली फिल्म केदारनाथ थी, मैं केदारनाथ में थी और दीनू सर का फोन आया मुझे कि ये फिल्म मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दिस। ऑनेस्टली आई थिंक इट्स अ डेब्यू अगेन बिकॉज इट्स बीन हाफ अ डेकेड ऑलमोस्ट। आई शुडंट एज माई सेल्फ लाइक दिस। एनीवे, इट्स बीन अ वाइल एंड रियली थैंक यू वेरी वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you to the media, thank you to the audiences for accepting what we've given you. Thank you so much, Lakshman sir, for giving me Soumya. Thank you so much for making me understand where she comes from. Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything. Really, truly thank you. And thank you, Kapil, for making Soumya come to life. And thank you,
Vicky for calming Sara down. You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that, but you are so humble, so gracious and so giving. From nahi sach mein yaar, matlab sahi bol rahi hoon yaar, teri coffee se lekar tere acting tak sab share karte ho, which is I think great. So thank you very, very much. And again, thank you for the marketing team. Thank you to everyone, but mainly and mostly, thank you to the audiences. Thank you so much for accepting our film. मैं तो कभी नहीं मानती थी कि सिर्फ बड़ी फिल्में चलती हैं. मुझे हमेशा से यही लगा था कि सच्ची फिल्में चलती हैं. तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया. उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच. लंबे लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है, पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके जरिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे. और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमा घर में चली है और एक ऐसी पिक्चर सिनेमा घर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जांपल है, ये तो ओटीटी पे आनी चाहिए थी, तो वो अब सिनेमा घर में चली है तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं. तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है. एंड यू नो लाइक आई थिंक amongst all of us the most confident was Lakshman sir always because he kept saying sir mujhe kuch tension nahi hai, mujhe pata hai ye logon tak film ka kahani pahunchegi, ye har insaan is desh mein ye connect karega, picture kitni chalegi nahi chalegi mujhe nahi pata par connect zarur karega, koi ye nahi bolega ki yaar maine connect nahi kiya. So thank you sir us confidence ke liye. Aur mujhe abhi bhi yaad hai jab sir ne phone kiya tha aur hame film narrate ki thi, that was right after the second phase of COVID जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही है किसी को कुछ पता नहीं था. और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट जरूर करेगा. और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आ गई वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही. वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट जरूर करेगी. और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहले मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट जरूर करेगी और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है. तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन. थैंक यू सो मच फॉर दैट. मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब काफी कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से. और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहे जरा हटके जरा बचके के साथ सिनेमा घरों में, यही हमारी आशा है. एंड बट सारा थैंक यू इनको भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली मैंने फोन पे तो बहुत बोला है डीनो सर को, बट आई वॉन्ट टू से दिस टूडे ऑन दिस स्टेज दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज ही हैड एवरी लॉजिकल रीजन टू ब्रिंग दिस ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड ही वुड हैव बीन कंप्लीटली करेक्ट इन एवरीबडीज आईज, बट ही टुक दैट रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग अ फिल्म लाइक जरा हटके जरा बचके इन द सिनेमा हॉल्स इन टूडेज टाइम. एंड सर दिल से थैंक यू है, हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं, आपके सारे पैसे लगे हैं, टेक दैट कॉल एंड जेन्युइनली. एंड मुझे बताएं कि पिछले जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है, उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर ट्रेलर कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था.
Dino sir has been sitting in his office till 3 a.m. in the morning with his superb team at Madoc to kind of figure out ki hum kaise logon tak pahunch sakte hain aur logon ko bata sakte hain ki aisi bhi ek film aa rahi hai aur please mauka dijiye is film ko. But thank you Madoc, thank you Lakshman sir, thank you Dino sir and थैंक यू सारा. मैंने पहली बार काम किया है और मैं आजकल जहां भी जाता हूं मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूं और 5 दिन प्रमोट करूंगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा. बट शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट सोल्स आई हैव एवर इंटरैक्टेड विद. शी इज वंडरफुल एंड ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है बहुत जेन्युइनली जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो. ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है. सो प्लीज कीप दैट इंटैक्ट ऑल. थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक, थैंक यू. बट दैट्स अ लॉट फॉर व्हाट वी व्हाई विल आई गेट. यस यस एग्जैक्टली. मेरे 6 दिन फिर नल्ले. I think पैसे बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी निंजा टेक्निक की, थम्स अप को 1/2 करवा वो भी पिक्चर में ले लिया मैंने. 1 रुपए भी नहीं छोड़ा. 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था. होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना बैगेज का फंडा पता नहीं था. तो जब हम एयरपोर्ट पे थे एक बार मेरी मम्मी को पता चला था वी आर 10 kgs ओवरवेट. शी लाइक ऐसे कैसे हो सकता है. We'd gone for 1 month. तो एक महीने में जितने शैम्पू कंडीशनर लोशन टूथपेस्ट मिलते थे मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था. लेकिन एक्सेस लगेज पे बहुत पे करना पड़ा. सो आई लर्न नो आई डिडंट लर्न बट आई शुड हैव लर्न नॉट टू डू दैट अगेन. अरे ये होटल तो फिर भी समझने वाली बात है. होटल फिर भी समझने वाली बात है. हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलट पिलो वाली बात नहीं बोल सकते. अब तो आ रही है लाउंज में. लाउंज से तकिया ले गई. एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है. वो वहां पे 10 मिनट सोई है, तकिया बहुत अच्छा है, ले गई 3 शहर. अब वो तकिया चल रहा है साथ में. ये सवाल पूरा सारा के लिए था. तो ये हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं. आई एम श्योर कि आप भी ऐसा. तो हम दोनों खाए थे फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया. तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है. तो उसने बोला हाँ हम लेके आए. इसे 4 लोग ने पिया. फिर क्या हुआ, उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी. मैंने बोला अरे इसने कुछ गिर गया तो कैन यू चेंज द ग्लास डाइट पेप्सी. जैसे आप कप्पू की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं. कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं. That was लक्ष्मण सिंह. Okay, yes. Anybody else would like to share, please? Milan Singh. Otherwise, I cut it in the middle. Haan. Cut in the middle. Cutting wala kaam kiya hua hai. Yeah. Milan jab use karte the when. Kyunki insaan itni conscious nahi karta. Haan. Sir, wo toothpaste ka blade ban jati hai. Ekdam. Yeah. Okay, the next question jaane se pehle. Yes, sir. Oh, jigri hai tumhare bhai. ये मैं बता रहा कि तब से लेके आप आज तक मैं आपको देख रहा हूँ जरा सा भी आपने चेंजेस नहीं आया. एंड जैसे तब आप थे वैसे ही रहिए, हिट फिल्म में करते रहिए. बहुत बड़ी बात. थैंक यू. बहुत अच्छे से बचे हो आप सवाल से.